ये वीडियो चैप्टर 5 का आखिरी हिस्सा है, तीसरा, और इसमें हम एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और सैटेलाइट्स को देखेंगे। जिस तरह एक मूविंग ऑब्जेक्ट लीनियर मोमेंटम पोसेस करता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, जब कोई चीज मूव करी होती है उसके अंदर मोमेंटम होता है, इसी तरह जब कोई चीज रोटेट करी होती है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है आर क्रॉस पी के, यानी हमारा लीनियर मोमेंटम और जो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस है जिसको हम आर कहते हैं, ये उसकी पाथ है, सेंटर ऑफ रोटेशन से लेके उसकी पाथ तक का जो डिस्टेंस है वो आर, और उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हम लेते हैं जो उसका लीनियर मोमेंटम है। इस बॉडी, ये बॉडी का मास एम है, ये वेलोसिटी वी के साथ मूव करें, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। पी की वही डायरेक्शन है, पी यानी लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की है। हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी और आर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, हर हर पॉइंट पे सर्कल में ये टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी, तो हमारे पास ये आर पी आ जाएगा, साइन थीटा हमारा 90 होगा तो ये 1 हो जाएगा, हमारे पास आर इंटू पी आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम बराबर है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय आर। लीनियर मोमेंटम होता है, हमें पता है, मास इंटू वेलोसिटी, हम पहले पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ आर ओमेगा से रिलेट किया जा सकता है, वो वाला रिलेशन इस्तेमाल करते हुए हम आर एम आर ओमेगा लिखा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एक दफा फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया इस इक्वेशन में। जिस तरह हमारे पास लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी था, मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है मास, रोटेशनल मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मास। तो ये यानी इक्विवेलेंट है लीनियर मोमेंटम के, और इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का, जिस तरह लीनियर मोमेंटम हम कह रहे थे कि जब एक बॉडी के अंदर मोमेंटम होता है जिसकी वजह से उसके सामने कोई चीज आएगी वो उसको ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, इसी तरह लीनियर मोमेंटम सिर्फ जब एक चीज घूम रही होती है तो उसके अंदर एक चीज एंगुलर मोमेंटम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गाड़ी का पहिया मूव कर रहा होता है, ये गाड़ी का पहिया है, अब ये जब घूम रहा होता है तो ये आगे भी जा रहा होता है लेकिन ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है, तो आगे जाने की वजह से इसके अंदर एक लीनियर मोमेंटम होता है जो कि p इज इक्वल टू mv के बराबर होगा। इसके अलावा इसके अंदर घूमने की वजह से एक एडिशनल मोमेंटम होगा जो l, जो कि बराबर है i इंटू ओमेगा के, वो होगा इसके अंदर। इसी तरह जब बॉल कराते हैं क्रिकेट में, तो एक बॉल होती है जो स्ट्रेट बॉल होती है और एक बॉल होती है जो स्पिनर्स कराते हैं, जो अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, जो बॉल अपने एक्सिस पे घूम रही होती है उसके अंदर ज्यादा मोमेंटम होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ लीनियर मोमेंटम नहीं है, उसके अंदर साथ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये है कि ये प्रोडक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी सिस्टम में, अनलेस कोई एक्सटर्नल टॉर्क उस सिस्टम पे एक्ट करे। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, तो टॉर्क की वजह से एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है, तो जब तक कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का कंजर्व रहेगा। इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, यानी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। एक सिस्टम की हम एग्जाम्पल देते हैं, एक स्विमर है जो कि पानी में डाइव करना चाहता है, तो अभी स्टेट वन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन है और एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वन, ये स्टेट वन है। अब वो चाहता है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एम आर स्क्वायर के, वो अपना मास नहीं चेंज कर सकता, वो अपना रेडियस चेंज कर सकता है जब वो रोटेट होता है, जब अगर वो अपने आप को कर्ल करके खुद को रोटेट करता है तो उसका जो रेडियस बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर ऑफ रोटेशन से, वो आर है, और अगर वो उसको मजीद कम कर लेगा तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो हम कहते हैं कि स्टेट टू में वो खुद को कर्ल कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अपना रेडियस कम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, उसको हम आई टू ओमेगा टू कहते हैं। अब वो एक कर्ल स्टेट में है,
उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक आई वन पहली स्टेट का जो इन दोनों का प्रोडक्ट था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का, और दूसरी स्टेट का जो था, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ये इक्वल होगा, हमेशा बराबर रहेगा, अनलेस कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर एक्ट करे. एक्सटर्नल टॉर्क की मिसाल ये हो सकती है कि अगर एयर फ्रिक्शन की वजह से हवा में इतना ज़्यादा प्रेशर हो या बहुत तेज़ हवा चल रही हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उस बंदे के ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट आए, उस फोर्स, जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है उसके पैरेलल कंपोनेंट की वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाए. मगर अनलेस कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करे, उसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा. हमें पता है कि जब कोई चीज़ मोशन में होती है, तो मोशन में होने की वजह से उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर उस बॉडी का मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो ज़रूर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है, तो रोटेट करना भी एक तरह का मोशन होता है, और इस रोटेट करने की वजह से उसके अंदर एक खास काइनेटिक एनर्जी आती है, जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के. अगर हम इसको रोटेशनल देखना चाहते हैं कि रोटेशनल डोमेन में इसका क्या इक्विवेलेंट है, तो हम वेलोसिटी को इक्वेट करते हैं उसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ. इस रिलेशनशिप से हम इसको रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में, आर ओमेगा होल स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा. और एक दफ़ा फिर हम देख सकते हैं कि एम आर स्क्वायर यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास बन जाती है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर. हम देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है लीनियर वाली जो इक्वेशन है. हम देख सकते हैं कि अक्सर रोटेशनल डोमेन में जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर वाली के साथ इक्विवेलेंट है. सिर्फ हमें वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है. तो जब कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है, तो उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. मसलन अगर एक स्पिनर क्रिकेट में, जो स्पिनर की बॉल होती है वो आगे भी जा रही होती है और वो स्पिन भी कर रही होती है अपने एक्सिस में, तो इसके अंदर दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं. एक काइनेटिक एनर्जी जो इसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो इसके अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करने की वजह से होती है, जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो इस वजह से जो स्पिनर की बॉल होती है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है. लाइफ में हम एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम एक डिस्क जो कि एक सॉलिड है, एक सिलेंडर है जो अंदर से भरा हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंपेयर करते हैं एक हुप के साथ, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, और इसका मास डिस्क जितना है, मगर वो मास किनारों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अंदर से खाली है. फर्स्ट वाले केस में हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, उसको मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करके, मास उस सेगमेंट का और उसका रेडियस को हम टोटल को सम करते हैं, तो हमारे पास इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, जो कि बराबर है डिस्क के केस में 1/2 mr² के. और इसी तरह हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कैलकुलेशंस के बाद, वो बराबर होता है mr² के. यानी हुप का जो अंदर से खाली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है डिस्क से. ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना मास सेंटर ऑफ रोटेशन से दूर होगा, उतना ही हमारा रेडियस ज़्यादा होगा, और उस रेडियस की वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा. तो हुप के केस में सारा जो मास है, अगर हम इसको टॉप से देखें, तो हुप के केस में सारा मास किनारों पे है, जबकि डिस्क के केस में मास पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किनारों पे भी है, सेंटर में भी है. तो इस डिस्क के केस में फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, और हुप के केस में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आर ज़्यादा हो रहा है. अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालें, इन इनका सिंपली काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के, और उसमें अगर हम आई रिप्लेस करके देखें, तो डिस्क के केस में हमारे पास क्या आएगा, 1/4 ओमेगा सॉरी आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, और इसके केस में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, और डिस्क की उसके आधी है. अगर हम एक डिस्क और एक हुप को एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे भेजें, आई नीड सम स्पेस, मैं यहाँ से थोड़ी स्पेस क्लियर करती हूँ. अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक डिस्क और हुप को नीचे भेजें, ये डिस्क है सॉलिड और ये हुप है, तो कौन सा पहले नीचे जाएगा?
जिसके अंदर ज्यादा इनर्शिया होगा वो ज्यादा मुश्किल से नीचे जाएगा, उसको मूव करना मुश्किल होगा। तो ज्यादा इनर्शिया किसके अंदर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, हुप का। तो हुप पीछे रह जाएगा और डिस्क आगे निकल जाएगी, क्योंकि डिस्क का अंदर कम इनर्शिया है और डिस्क की काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो कम है, 1/4 है। कोई भी बॉडी जब दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, तो जो बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे सूरज की सैटेलाइट में सारे प्लैनेट्स, जिनमें अर्थ भी शामिल है, ये सब सूरज के लिए सैटेलाइट्स हैं। इसके अलावा हम जमीन के गिर्द कुछ खास इक्विपमेंट भेजते हैं और वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू हो जाता है, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और इनके बहुत सारे फायदे हैं, इनकी मदद से हम जमीन की तस्वीरें खींच सकते हैं, मौसम का हाल पता कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इन सैटेलाइट्स को हम, ये सैटेलाइट्स क्योंकि इनका एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो जो हमने एंगुलर मोशन के लॉज पढ़े हैं और इक्वेशंस पढ़े हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम उनकी मदद से हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं कि हम ये सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं। इन सैटेलाइट्स को हम भेजते कैसे, हम एक खास वेलोसिटी कैलकुलेट करके उस वेलोसिटी से एक रॉकेट के मदद से उसको हवा में भेजते हैं और वो फिर ज़मीन पे वापस आना चाहती है, मगर ज़मीन का चूंकि कर्वेचर है तो वो फिर कर्वेचर के साथ साथ घूमना शुरू कर देती है। ऐसा होता है कि वो सैटेलाइट हमेशा फ्री फॉल में होती है, वो ज़मीन की तरफ आ रही होती है ग्रेविटी की वजह से, मगर वो ज़मीन चूंकि बेंड हो जाती है तो वो सैटेलाइट फिर ज़मीन के ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सैटेलाइट एक फ्री फॉलिंग बॉडी होती है और फ्री फॉलिंग बॉडीज वेटलेस होती हैं, जिसको हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि वेटलेसनेस सैटेलाइट्स में कैसे आती है। इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मुख्तलिफ तरह की सैटेलाइट्स के बारे में। इस तरह की 24 सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के गिर्द क्लोजली ऑर्बिटिंग हैं, उनकी मदद से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसको जीपीएस कहते हैं। और इस जीपीएस की मदद से हम किसी भी बंदे की लोकेशन ज़मीन पे 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। इसका बहुत फायदा है, हमारे मोबाइल में जो मैप्स वाली ऐप होती है वो इन सैटेलाइट्स की वजह से, जीपीएस की वजह से चल रही होती है। इसके अलावा तीन सैटेलाइट्स जिनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, वो ऐसी होती हैं कि उनका जो ऑर्बिट होता है, वो उनका जो टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अर्थ के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती हैं, वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होता है। यानी अगर हम ज़मीन पर खड़े होकर देखें तो वो सैटेलाइट हमें हमेशा एक ही पॉइंट पर नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन घूम रही होती है उसी तरह वो सैटेलाइट्स भी घूम रही होती हैं। ऐसी तीन सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को कवर कर देती हैं, कवरेज प्रोवाइड करती हैं, और इनकी मदद से हम एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकते हैं जिसपे हम बहुत सारे चैनल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमने देखा कि सैटेलाइट फ्री फॉलिंग बॉडीज होती हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज अगर फ्री फॉल कर रही है तो उसमें जो लोग होते हैं उनको वेटलेस क्यों फील होता है और सारी चीजें उस बॉडी में वेटलेस हो जाती हैं। इसके लिए हम लिफ्ट की एग्जाम्पल देखते हैं। लिफ्ट एक बॉक्स है, बेसिकली एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, इसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है और जो भी सामान है। इस बंदे को अपना वेट कैसा फील भी होगा, और अगर इसके पास एक वेट मशीन हो तो उस वो वेट मशीन क्या वेट उसको शो करेगी, ये बराबर होगा बेसिकली इस लिफ्ट की जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन है वो हमारा वेट मेजर करेगी। जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो टेंशन वेट के बराबर होगी। टेंशन क्यों क्रिएट होती है स्ट्रिंग में, क्योंकि एक मास एम हमने स्पेस में रखा हुआ है और उसके ऊपर पुल ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है विद एन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट बेसिकली बराबर होता है मास इंटू दिस फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो वेट एक तरह का फोर्स होता है जो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है हमें, और उसको हम W कहते हैं, और वो mg के बराबर होता है। एक्सेलरेशन, नॉट एनी एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वजह से वेट होता है। तो बेसिकली जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बिल्कुल वेट के बराबर होगी और हमें वेट मशीन उतना ही वेट दिखाएगी जितना एक्चुअली है। अगर हम ऊपर की तरफ, लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी, वेट प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक एक्सेलरेशन उसको ऊपर की तरफ पुल करी है तो हमें अपना वजन, जैसे ही लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी जितनी देर, उस देर में हमें अपना वजन ज्यादा महसूस होगा, लेकिन वो बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है। उसके बाद लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू हो जाती है और हमें वेट दोबारा से अपना वही फील होता है जो एक्चुअली होता है, एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो जाती है। इसी तरह अब ये था जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी, जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है
तो जब वो डिसेलरेट करती है उस इंस्टेंट में हमें वेट अपना कम महसूस होता है विद एन एक्सेलरेशन मास इनटू एम इनटू ए, हमारे असल वेट में से इतनी वेट कम हो जाता है जितनी वेलोसिटी से जितनी एक्सेलरेशन से वो बेसिकली नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, और वो भी एक छोटे इंस्टेंट के लिए होता है, उसके बाद फिर से एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, फिर से वेट हमारा वही हमें लगना शुरू हो जाता है जो एक्चुअली होता है। तीसरा केस जो हम एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं जिसमें हमारी स्ट्रिंग अगर खुदा ना खौस्ता टूट जाए तो ये लिफ्ट डायरेक्टली नीचे जाएगी विद एन एक्सेलरेशन टी इज इक्वल टू वेट माइनस, अब लिफ्ट को भी ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, लिफ्ट एम जी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी, वेट ऑलरेडी एम जी था माइनस एम जी, तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगी, स्ट्रिंग में जीरो हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग टूट चुकी है। तो जो बॉडीज फ्री फॉलिंग बॉडीज होती हैं उसमें वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करती हैं इस वजह से, क्योंकि उनको उनका जो वो खुद भी उसी एक्सेलरेशन से जमीन की तरफ जा रही होती हैं जिस एक्सेलरेशन से वो बॉक्स या वो सैटेलाइट जा रही होती है जिसमें वो होते हैं। सैटेलाइट का वेटलेसनेस का मसला सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कराना शुरू हो जाते हैं। जब हम यूं रोटेट कराते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाती है, वो इसलिए कि उस सैटेलाइट में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो एजेस की तरफ पुश हो जाती हैं, एजेस के साथ लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, तो क्या होता है कि जितना वो मास होता है वो उसको रेडियस की तरफ पुश कर देता है, ताकि इनर्शिया जितना हो वो रेजिस्ट कर रहा होता है अपनी मूवमेंट में। तो ऐसा करते हुए एक आर्टिफिशियल सी ग्रेविटी क्रिएट हो जाती है जो कि इस सैटेलाइट की दीवारों के ऊपर होती है, तो ऐसा होता है कि वो लोग उसकी एंड वाली दीवारों के ऊपर चल सकते हैं इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से। इस वजह से फिर हम एक खास वेलोसिटी से सैटेलाइट्स को मूव कराते हैं कि जो हमारी आर्टिफिशियल ग्रेविटी है उसकी वैल्यू बराबर हो हमारी नॉर्मल ग्रेविटी के, जिसमें चीज़ें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से पुल होती हैं अर्थ की तरफ। ड्यू टू सम मैकेनिकल फॉल्ट अ लिफ्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन साइड द लिफ्ट। अब उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ है कि एक फ्री फॉलिंग लिफ्ट में बंदे का क्या वेट होगा, इसके लिए हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फ्री फॉलिंग लिफ्ट में उसका वेट हमेशा जीरो होगा।